जब आंखों में नवोदय का अरमान लिया, नवोदय को ही अपना घर मान लिया, तो फिर क्या है मुश्किल, क्या है आसान, बस नवोदय में पास होना ठान लिया तो ठान लिया। एग्जाम इज नियर, नो नीड टू फियर, बिकॉज योर शिवम भैया इज हियर। तो कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं जेएनबी पाठशाला। प्रेजेंट टाइम में मैं जेएनबी कुशीनगर का छात्र हूँ। अब भी आप लोगों को कोई भी परेशानियां होती है मैं उपस्थित हो जाता हूँ। और आप लोगों को मॉडल पेपर चाहिए था, तो मॉडल पेपर तो खैर हमारे चैनल पे अपलोड हो ही रही है, और ये जो वीडियो है ये भी मॉडल पेपर की है, यानी गेस पेपर की है। तो इसमें हमारा जो मॉडल पेपर होता है वो काफी अच्छे तरीके से हम इसको डिजाइन किए हैं। हमने क्या किया है कि जो रीजनिंग रहता है, रीजनिंग में देखो, रीजनिंग में आपका हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, या किसी भी लैंग्वेज में हो, रीजनिंग तो सेम रहता है। जो मैथ के क्वेश्चंस होते हैं उसको हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में ट्रांसलेट करके लाते हैं, तो आप उसको खुद ही देख सकते हो। और साथ ही साथ हम लैंग्वेज का जो लाते हैं, तो लैंग्वेज में एक हिंदी का गद्यांश रहता है, एक इंग्लिश का अनसीन पैसेज रहता है। तो इस तरीके से हमने काफी सुटेबल तरीके से काफी अच्छे से डिजाइन किया और काफी तेजी से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और मैं जो क्वेश्चंस बनाता हूं मैथ के लिए, स्पेशली मैथ के जो क्वेश्चंस रहते हैं वो काफी अच्छे से बनाए जाते हैं। मेरा ये नहीं रहता कि किसी बुक से पीडीएफ लेकर के और कुछ भी आपको बना दूं, मैथ के क्वेश्चंस मैं खुद टाइप कर करके बनाता हूं और काफी अच्छे से बनाता हूं। ये नहीं कि कोई चैप्टर नहीं आने वाला एग्जाम में उसके भी क्वेश्चंस नहीं, ऐसा मैं कुछ भी नहीं करता हूं। जो चैप्टर्स नहीं आने वाले हैं उसके क्वेश्चंस बिल्कुल ही नहीं रहेंगे, मतलब मैं सेलेक्ट ही नहीं करता हूं, सेलेक्ट कर करके मैथ के क्वेश्चंस लाता हूं। तो आप वीडियो को एंजॉय कीजिए, मजे में अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वो भी लाइक कर देना। तो चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं। सो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे मानसिक योग्यता परीक्षा के बारे में, यानी इसको हम रीजनिंग बोलते हैं, मेंटल एबिलिटी के बारे में। तो इसके सभी क्वेश्चंस को हम तेजी से सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चंस आपको दिया जाएगा, इसका जो पीडीएफ होगा वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दे दिया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार जरूर चेक करना और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि वहाँ पे इसका भी पीडीएफ मिलेगा आपको, एक्स्ट्रा भी सभी चीज़ें का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। प्रैक्टिस सेट है आप समझो कि वो भी आपको मिल जाएगा, तो जरूर ज्वाइन करना टेलीग्राम ग्रुप में। तो चलिए इन सभी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए यहाँ पे दो क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करूंगा, दो को आप सॉल्व करके नीचे कमेंट करना, क्योंकि ये रूल हमारा है, आपको पता ही है। चलिए यहाँ पे हमको भिन्नाकृति बताना, इनमें से कौन सा हमारा भिन्नाकृति है। यहाँ पे ट्रायंगल है, ट्रायंगल में सर्किल है, यहाँ पे सर्किल है, सर्किल में वर्ग है, और यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर सी हमारा अलग है, क्योंकि यहाँ पे ये वर्ग में ही वर्ग दे दिया, बाकी सभी में अलग दिया है, तो ये सभी गलत हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टू के बारे में। क्वेश्चन नंबर टू में बताओ कौन सा होगा, ये और ये, इनमें तीनों में अंदर एक ही आकृति दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में नहीं दिया गया, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आप नीचे कमेंट करो मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी जल्दी, जितना जल्दी हो सके, क्योंकि मैं बहुत तेजी से आपको सॉल्व कराता हूं। यहाँ पे देखो अब बात करने वाला है सेम आकृति के बारे में, यानी समान आकृति के बारे में। ये तो मजाक, मतलब काफी मुझे मजा आता है। सेम आकृति तो सिर्फ नौ, आप इमेजिन करो कि नवोदय विद्यालय में सिर्फ 40 की 40 जो रीजनिंग आती है वो सिर्फ सेम आकृति वाली आती, बच्चों को मजा ही आ जाता है। यहाँ पे हमको बताना है कि ये फिगर कहाँ से है, ऑप्शन नंबर एक गलत होगा, ये ऊपर ऐसे नहीं है हमारा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, करेक्ट ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, बाकी ये सभी ऑप्शंस गलत है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स के बारे में। क्वेश्चन नंबर सिक्स में मल्टीप्लाई, ये यहाँ पे हमारा ये ऊपर दिया गया है, तो इस तरीके से हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी, देख लूँ एक बार अच्छे से, हाँ ये ऑप्शन नंबर सी ही हमारा करेक्ट है। अब हम बात करते हैं 7 और 8 क्वेश्चन के बारे में। तो आपको पता ही है कि ये भले ही इजी क्वेश्चन है, इन दोनों को आपको आंसर करना है 7 और 8 का, वैसे ये काफ़ी इजी है, समान आकृति है। तो चलिए अब हम बात करते हैं पैटर्न के, इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में, 9 और 10 के बारे में। ये रहा हमारी स्क्रीन पे क्वेश्चंस, यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा होगा। यहाँ पे ये ऐसे बनेगा पहले हमारा, मतलब ऐसे बनेगा, और फिर यहाँ पे ये हमारी एक लाइन आएगी, और उसके बाद से हमारे पास देखो ऊपर जो होनी चाहिए, ऊपर यहाँ पे जो बननी चाहिए ऊपर वाली लाइन से जो जुड़ा हुआ होना चाहिए, यहाँ पे तो पहले दो गोला होना चाहिए और नीचे वाले पे ऐसा होना चाहिए। तो ये हमको ढूंढना है कि ये किस में बना हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में गलत, ऑप्शन नंबर बी गलत, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज रॉन्ग। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा, यहाँ पे ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बच्चों को लगेगा, चिंता की कोई बात नहीं। यहाँ पे ये एक समान बनाया गया है, तो हमको इसको और इसको एक समान बनाना है, बस इसी बात का आपको ध्यान रखना है। तो बिल्कुल इसी के जैसा आपको सेम आकृति ढूंढना है कि हमारा कौन सा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसके जैसा हमारा सेम आकृति जो होगा, आप देखोगे कि ऑप्शन नंबर सिर्फ डी है, क्योंकि देखो यहाँ पे ये जो वर्ग बनेगा, वर्ग के अंदर हमारा एक पॉइंट होना चाहिए, सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अब हम बात करते हैं इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में, और मैं क्यों बात करूं, आपको करना है ना, आप इसका आंसर नीचे कमेंट करो, मैं हर बार करूं आप ही को, मतलब बताना पड़ेगा क्या रूल, आपको खुद करना है। दो क्वेश्चंस को मैं, दो क्वेश्चंस को आप, इक्वल। चलिए अब हम बात करते हैं इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में। यहाँ पे ये रहा हमारा सीरीज, यानी श्रृंखला का क्वेश्चंस, और यहाँ पे देखो ये कुछ ऐसा बन रहा है, फिर यहाँ पे ये इंक्रीज हो रहा है, और ये ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट इंक्रीज हो रहा है, फिर यहाँ पे ये हमारा 3 हो जाएगा और बाकी ये हमारा सेम रहेगा।
तो ये तीन और छः, या ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अब इस क्वेश्चन के बारे में हम देख लेते हैं, इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि कमी हो रहा है, दो दो को कमी हो रहा है, दो कमी हुआ इधर से, फिर दो कमी हुआ इधर से, तो फिर हमारा दो कमी हो जाएगा। तो दो कमी जब होगा यहाँ पे, ये हो या ये हो, तो हमारे पास जो फिगर बचेगा सिर्फ ऑप्शन नंबर सी ही बचेगा। आप देख लो ध्यान से, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, अब आप समझ ही रहे हो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे है, तो क्वेश्चन नंबर 15 भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो, ये श्रृंखला हमारा ऐसे चल रहा है, ये इस तरीके से फिर से मुड़ करके यहाँ पे हो जा रहा है, ये मुड़ करके फिर ऐसे ऐसे आ जा रहा है, या इसको आप थोड़ा सा मतलब ऐसे समझो कि ये हमारा जो है ये मुड़ करके यहाँ पे है, ये ऐसे है, जो भी हो ठीक है। तो ये यहाँ पे आ गया, अब इसको हमको बताना है कि ये क्या हुआ। तो ये मुड़ करके हमारा ऐसा हो जाएगा, ये तीर और ये हमारा ऐसा और गोला ऐसे, जो भी हो। तो चलिए इसको अब हम कर लेते हैं सॉल्व। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी जो आकृति होगी, जी हाँ मेरे दोस्तों, ये होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 जो दिया है, 16 को आप सॉल्व करोगे। यहाँ पे सिर्फ एक ही क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है सॉल्व करने के लिए, करो जल्दी यार, जल्दी जल्दी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में, क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो, ये हमारा जो वृत्त दिया हुआ, सर्किल दिया हुआ है, और नीचे अंदर ट्रायंगल दिया, ट्रायंगल बाद में बाहर आ जाता है, वृत्त हमारा यहाँ पे छोटा सा नन्ना मुन्ना हो जाता है। सेम चीज़ यही हमको यहाँ पे भी करना है। यहाँ पे देखो, ये जो हमारा बाहर दिया है ये छोटा सा हो जाएगा, और अंदर वाला है जो बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा हो गया और ये कॉर्नर में छोटा सा, या ऑप्शन नंबर डी, डी इज करेक्ट। अब बोलोगे सी क्यों, नहीं 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 देखो, हमको ऊपर साइड में कॉर्नर में रखना, ऊपर साइड कॉर्नर में डी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में नहीं। ध्यान देना, गलती नहीं होनी चाहिए यार। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में, 18 में यहाँ पे देखो हमारे पास एक ट्रायंगल है, एक से यहाँ पे ये तीन बदल जा रही है, एक लाइन इंक्रीज हो जा रही है, वैसे ही इसको भी चलिए हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास दो है, तो दो इंक्रीज हो जाएगा, तो ये हमारा चार हो जाएगा, और ये जो हमारी एक लाइन ऑलरेडी से दी गई है, एक लाइन और हमारी इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरीके से जो होगा वो हमारा चार लाइन ऐसे होगा और दो लाइनें इंक्रीज हो जाएगी। तो ये चार और दो, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, या बी इज करेक्ट, बी हमारा सही है। अब यहाँ पे राम मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 को तो आपको सॉल्व करना है, सॉल्व एंड कमेंट फास्ट, जल्दी जितना जल्दी हो सके यार करो, एकदम एनर्जेटिक मोड में पढ़ना है, ये क्या बच्चों की तरह यार, नहीं एकदम तेज़ी से पढ़ना है। देखो क्वेश्चन नंबर 20 भी आ गया, क्वेश्चन नंबर 20 तो काफ़ी ईजी लग रहा है। यहाँ पे बस एक लाइनिंग घटा करके कलर कर दिया जा रहा है, यहाँ पे ये चार हो जाएगा और बस यहाँ पे तो ये गड़बड़ कर दिया है, ये वाली जो लाइनिंग होगी ये थोड़ा सा कलर होगा, तो इसका आप ध्यान रखना। तो ये वाला ऑप्शन नंबर हमारा सी यहाँ पे करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो कलर किया गया है, बट यहाँ पे कलर करने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। कोई नहीं, मिस्टेक होता रहता है, क्वेश्चन पेपर में कोई भी मिस्टेक नहीं होता है। अगर क्वेश्चन पेपर में कोई भी क्वेश्चन मिस्टेक है तो समझ जाओ उसका नंबर सभी बच्चों को मिलेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, यहाँ पे हमको इस आकृति को भरना है। देखो यहाँ पे इसको बड़ा करो और ऐसे क्लिक कर दो। अब देखो बताओ कौन सा होगा यहाँ पे ये आकृति, बताओ कौन सा होगा। हाँ मुझे पता है, आपने गेस कर ही लिया होगा कि कौन सा होगा। कुछ बच्चे कंफ्यूजन होंगे कि कौन सा होगा, ए नहीं होगा, बी या डी। अब बताओ आप कौन सा होगा, बी नहीं होगा मेरे दोस्तों, क्योंकि देखो बी यहाँ पे ये पूरा फिट नहीं बैठ पाएगा। ऑप्शन नंबर ओनली डी इज करेक्ट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, और ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बट काफ़ी अच्छा क्वेश्चन भी है। तो चलिए इसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि ये कौन सा हमारा करेक्ट होगा। तो यहाँ पे ये हमारी जो फिगर है ये कुछ ऐसा आकर के पूरा ओ यार मैं तो बड़ा बना दिया, ये ऐसा आएगा। तो ये फिगर हमको बताना है कि ये कौन से फिगर के जैसा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देखो मेरे दोस्तों, या तो ऑप्शन नंबर बी हमारा नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। अब हमारे पास सी और ए में बताना है आपको कि कौन सा होगा, और मुझे पता है कि कई बच्चों ने इसका आंसर सी पे दे दिया होगा, और सी हमारा करेक्ट भी है। आप यहाँ पे मैच करा करके देख सकते हो, और वैसे भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इसको नॉर्मली आराम से भरना, नवोदय विद्यालय में तो ऐसे ही बड़ा आता है। मैंने आपको पिछली किसी वीडियो में जलेबी बना करके बताया ही था, तो वैसे इस बार भी आएगा। और यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन ही दिखाई दे रहा है, ठीक है ये रहा हमारा एक क्वेश्चन, इसको आप देखो, इसका आंसर आप नीचे कमेंट करो, नीचे जितना जल्दी हो सके कमेंट फास्ट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में, ये इजी क्वेश्चन है, इसलिए मैं सोचूंगा इसको कि मैं बता दूँ। यहाँ पे देखो, ये बस हमको जो डायरेक्शन देखना है, ये जो हमारा ट्रायंगल का थी होना चाहिए वो यहाँ पे होना चाहिए। तो इस तरीके से ये रहा हमारा, और इस तरीके से ये ऑप्शन नंबर जो डी हुआ वो हमारा करेक्ट हो गया। बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, ये जो है हमारा दर्पण प्रतिबिंब है, ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ये जो हमारा तीर इधर है ये इस साइड हो जाएगा, तो इस तरीके से जब हम देखेंगे
और सॉरी इस तरीके से ये हमारा इस साइड हो जाएगा। इस तरीके से जब देखा जाएगा सिर्फ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी को आप बना सकते हो, या इस फिगर को आप बनाने के लिए एक और तरीका मैं बताता हूँ। देखिए जैसे इस टाइप का एक फिगर है, तो मान लीजिए आपने ऐसा बना लिया फिगर और इस पे या ऐसा कुछ बना लिया और यहाँ पे जीरो। अब देखो आप कॉपी पे भी ऐसे ही बना लो और ऊपर से कई बार 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 कलम चला लो, और कॉपी को जब आप मोड़ करके यहाँ पे उगाओगे इसको, तो यहाँ पे इसका कुछ रफ फिगर उग जाएगा और उसके बाद से आप देख करके आइडिया लगा लो कि कौन सा होगा। वैसे ये भी आइडिया मेरा ही है, आप चिंता ना करो, इसको बताया जाएगा एग्जाम के समय में भी कैसे इसको प्रैक्टिकल रूप से करना है। अब चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आया 26 का आंसर इस बार आप दो। ये बहुत ईजी है इसलिए इसको मैंने बोला है कि आप इसका आंसर दो, मैंने ट्रिक भी लगा दिया। कितना मतलब दिमाग देखो कितना तेज चलता है, बस आपको बताते बताते क्वेश्चंस को देखते देखते आंसर आ जाता है। इसका आंसर आप दो। चलो इसका आंसर तो मैं ही दे देता हूँ, इजी है ना, तो इजी क्वेश्चंस का आंसर अपन देगा, मुश्किल क्वेश्चंस का आंसर आप दोगे। ये रहा मुश्किल क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देख लो अच्छे से, बार बार देख लो, बार बार देख लो, बार बार देख लो, ध्यान से देख लो। अब चलिए अब इसका आंसर मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि इसका आंसर थोड़ा सा दूर इससे भाग गया है, तो थोड़ा सा इसको मैं कम जूम कर लेता हूँ ताकि आप ऐसे भी इसका आंसर और प्रश्न एक साथ देख सको। ओ देखो ये यहाँ पे प्रश्न है और यहाँ पे इसका आंसर है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसके आंसर को। थोड़ा सा मैं जूम करके बता देता हूँ। अब आप बताओ यहाँ पे कौन सा इसका ऑप्शन होगा, मैं नहीं बताऊँगा, आप इसका आंसर बताओगे कौन सा। जब हम बात करते हैं कागज कटिंग के बारे में, और ये भी काफी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारा एक सर्किल है और हमको बताना ही कौन सा होगा। यहाँ पे खोला जाएगा दो होगा, तीन और चार, तो सॉरी चार, चार तो हो चुका है ना, तो चार आकृतियाँ हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल जी, कोई गड़बड़ नहीं है इसमें। अब देखिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पे एक तीर निकला हुआ है हमारा, जैसे ही खोला जाएगा हमारा, देखो यहाँ पे भी एक ऐसे निकलेगा दो, तो दो तरीके से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट दोनों क्वेश्चंस हैं, दोनों को मैं नहीं करूंगा सॉल्व, आपको करना, आपको कराऊंगा सॉल्व। आप इन दोनों को सॉल्व करो और आंसर नीचे कमेंट करो, जितना जल्दी हो सके करो यार, मतलब मजाक थोड़े ना चल रहा, नीचे कमेंट करना पड़ेगा आपको। अब चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चंस के बारे में। यहाँ पे अब हमारे पास क्वेश्चंस आ गया है आकृति निर्माण हमारे पास। ओ भग गया, भगो भगो मत जी, रुको दोस्तों, यहाँ पे आ गया है क्वेश्चन हमारे पास आकृति निर्माण। एक दो तीन चार, चार। अब यहाँ पे देखो एक दो तीन चार, चार ये भी है, एक दो तीन चार, चार सही है, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है जी, कोई नहीं, चलिए इसको हम समझाते हैं ना आपको। यहाँ पे तो पहले पास हमारे पास हाफ सर्किल होना चाहिए। अब देखो कि किस में हाफ सर्किल हमारा दिया हुआ है, हाफ सर्किल तो इसमें नहीं दिया हुआ है, इसमें नहीं दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे भी दिया हुआ है, तो सिर्फ हमारे पास सी बचा है और डी बचा है। चलिए अब ए और बी हमारा गलत, सी और डी में बताना है कि कौन सा करेक्ट होगा। अब हम इसको ढूंढते हैं कि ये किस में हमारा दिया गया है। तो अब देखिएगा तो ये ऑप्शन नंबर सी में, डी में यहाँ पे दिया गया है, बट उतना करेक्ट तरीके से नहीं दिया गया है। खैर चलिए अभी भी हम जिसको पेंडिंग में रखते हैं, अब इसको हम ढूंढते हैं कि ये कहाँ पे दिया हुआ है। ये तो इसमें भी यहाँ पे दिया हुआ है और इस वाले फिगर में नहीं, ये हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, आप मिला सकते हो, देखो आप एक बार देख लो इस क्वेश्चन को, आप मिला लेना। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। एक दो तीन चार, एक दो तीन इसमें फिगर दिया हुआ है, गलत हो गया। यहाँ पे देखो एक दो तीन चार फिगर दिया हुआ है, ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर एक सिर्फ गलत है, बाकी तीनों ऑप्शंस में से आपको बताना है ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है, क्योंकि ये काफ़ी ऐसे ही ये दोनों ट्रायंगल्स इसमें मिल मिल जा रहे हैं, और ये दोनों, ओ सॉरी, ये दोनों ट्रायंगल्स भी यहाँ पे मिल मिल जा रहे हैं। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था मेरे प्यारे दोस्तों। अब हम बात करते हैं इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में। मैं क्यों बात करूँ, बार बार आपको बता रहा हूँ एक ही डायलॉग को आपको बोलना पड़ रहा है। आप नीचे कमेंट करो इन दोनों का आंसर्स, एकदम अच्छे से कमेंट करो, कमेंट करोगे तो हर्ट आपको दिया जाएगा, JNB पाठशाला की तरफ से हर्ट मिलना एक बहुत ही अच्छी बात है। तो मेरे प्यारे दोस्तों अब हम बात करते हैं छुपी हुई आकृति के बारे में। ये बताओ हमारा कहाँ पे छुपा हुआ है, बताओ बताओ, ये देख करके ही ऐसे ही लग जाएगा। ये तो अंधा भी देख करके बता दे, अरे भैया अंधे के पास आँख कहाँ होता है, वो देख करके बताएगा, होता है ना, होता है, कई अंधे लोग भी बता देंगे, मजाक किया हूँ यार। चलिए ये बताइए ये कहाँ पर हमारा छुपा हुआ है। क्वेश्चन नंबर एक में नहीं छुपा हुआ है, यहाँ पे देखो, देखो अच्छे से देखो, नहीं छुपा हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर एक हमारा मिस्टेक हो गया। क्वेश्चन नंबर टू, टू में देखो, टू में भी नहीं छुपा हुआ है, यहाँ पे ये जे कर्व में नहीं दिया है, ये जे के जगह पे हमारी लाइन दे दी है आई के जैसा, ये नहीं होगा, गलत गलत दो ऑप्शंस। अब यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो, बताओ कौन सा हमारा सही होगा, क्योंकि यहाँ पे भी जे टाइप का हमारा दिया गया है और आल्सो बी में भी दिया गया है, लेकिन बी में देखो यहाँ पे अच्छे से नहीं दिया गया है,
और यहाँ पे भी बताओ, आप खुद इसको बताओ, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। तो चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ कि इन दोनों ऑप्शंस में से कौन सा हमारा सही होगा। ये गलत हो गया, आपने इसको गलत क्यों किया भैया, यहाँ पे तो ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। जी नहीं मेरे दोस्त, साफ साफ इसीलिए तो दिया गया ताकि आप धोखा खा सको। यहाँ पे देखो ये हो गई हमारी, और ये जो हमारी लाइन दी गई है ये काफी जे हमारा लंबा दे दिया है। तो ये जे फॉर जिराफ इज वेरी लॉन्ग, सो दिस इज रॉन्ग एंड ऑप्शन सी इज करेक्ट। वाह कितना अच्छा डायलॉग हमारा बन गया। चलिए दो क्वेश्चन को आपको लास्ट में सॉल्व करा ही देता हूँ। पहले तो ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है इसको आपको सॉल्व करना है और बताना है इनमें से किस में ये आपका फिगर मिलेगा। आपको इसका आंसर खुद नीचे कमेंट करना है। वैसे ऑप्शन नंबर बी में तो दिखाई दे दिया मुझे, तो चलिए खैर मैंने ट्रिक कर दिया। अब हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर लास्ट के बारे में, और इसका आंसर भी मुझे दिखाई दे रहा है लेकिन मैं कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि ये तो आपको बताना है। आप नीचे कमेंट करो, करो जी कमेंट, नीचे कमेंट करो आप लोग इसको। मेरे प्यारे दोस्तों ये रहा मैथ का क्वेश्चन, और मैथ का क्वेश्चन तो हम काफी इंटरेस्टिंग तरीके से एकदम अच्छे से शॉर्टकट तरीके से सॉल्व करेंगे। मैथ का क्वेश्चन का ये जो पीडीएफ है ये भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ही मिलेगा, तो इसकी चिंता आपको नहीं करना है। तो चलिए यहाँ पे देखिए हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक घड़ी को 560 रुपये में बेचने पर 20% हानि होती है, इसको 840 रुपये में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देयर इज अ लॉट ऑफ 20% द प्रॉफिट परसेंटेज। चलो ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आया गया, आ ही गया होगा कि अगर 560 रुपये में हम इसको बेचते हैं तो ये हमारा 20% का लॉस होता है, और उसी घड़ी को अगर हम 840 में सोल्ड करते हैं यानी बेचते हैं तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। सबसे पहले देखो बात यहां पे, सिर्फ यहां तक हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहां पे देखो हमारे पास सीपी एसपी दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, हानि दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सीपी निकालेंगे यानी क्रय मूल्य निकालेंगे। हमेशा मैंने बताया है कि डायरेक्ट एक्स मानो, और एक्स माइनस हानि दिया है तो एक्स माइनस एक्स का 20% और इक्वली हमेशा होता है एसपी के इक्वल, यानी विक्रय मूल्य के बराबर कर दो। विक्रय मूल्य कितना है, 560 रुपये। ये 840 मत करना, अभी हमको क्वेश्चन सिर्फ आधे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये 560 रुपये है, इसका ध्यान रखना। अब ये 20 करें 20 25 100, 5x और ये 4x, 4x/5। भैया ये 4x/5 कैसे आया। जी नहीं मेरे दोस्त, मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैंने पिछले वीडियो में बता चुका है। आप जा करके पिछला गेस पेपर वाला जो वीडियोज है, आप जा करके हमारा पिछला वाला वीडियो देखो, नवोदय विद्यालय क्लासिक्स का जो हमारा प्लेलिस्ट है उसको चेक करो। अब देखो यहाँ पे हम x की जब वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर क्या होगा, 5 ऊपर 4 नीचे, इतना आपको तो समझ में आ ही गया होगा। तो ये 5 ऊपर और 4 नीचे इस तरीके से कट होगा, ये 14 140 यानी 14 चौको ये 14 50 70 यानी 700 रुपये। चलो ठीक है, ये हमारा हो गया सीपी बराबर हमारा आ गया 700 रुपये, और यहाँ पे हमारा एसपी दिया हुआ है 840 रुपये, एसपी बराबर 800 रुपये और सीपी बराबर 700 रुपये। अब देखो 840 रुपये, सॉरी। अब देखिए आपको हमको लाभ प्रतिशत निकालना, तो सबसे पहले हमको लाभ निकालना पड़ेगा। लाभ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, तो 840 में से अगर 700 को घटाएंगे तो 140 आया। भाई आपने डायरेक्ट क्यों नहीं लिखा, मेरी मर्जी, मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं डायरेक्ट ही लिखूंगा, मजाक था मजाक। वैसे भी आप लोग के प्यार और सपोर्ट की वजह से ही तो चैनल है। अरे भैया आप हमें पोला रहे हो, कोई नहीं भाई मजाक कर रहा था। चलिए अब हम निकालते हैं प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज 140 × 100 / यहाँ पे हमारा 700, क्योंकि 700 हमारा क्या आया था, सीपी आया था, और हमेशा सीपी नीचे रहता है। ये हमारा 5 बार में, और 5 से ये हमारा 20 बार में, 20% इज द करेक्ट ऑप्शन। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है भैया। ये क्या आपने क्वेश्चन इतना ईजी क्यों ला दिया। जी नहीं मेरे दोस्त, इजी क्वेश्चन है, बट 2020 और 2019 में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए ये आया गया है। अब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन, इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करा लेते हैं, तो 9 × 3 = 27 और ये 27 × 81 आ गया, और दशमलव कब लगाना है, 2 2 4 और 1 5, 5 अंक के बाद से, तो 3 4 5, 5 अंक के बाद डेसिमल लग गया और डिवाइड 0.00081। यानी देखो ऊपर एक अंक की कमी पड़ रही है तो इसको भी हम 1 अंक 0 बढ़ा लेते हैं। अब दोनों का दशमलव कट हो जाएगा। अब इस तरीके से ये 0 से 0 भी सब कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचेगा 810/81। ये जिसको समझ में नहीं आया, सिंपल सी बात है, इसको मल्टीप्लाई करा लो और इसे डिवाइड कर दो और डेसिमल को बस हटा देना, तो ये आ जाएगा हमारा 10। और ये ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, हाँ दोस्त ईजी क्वेश्चन था, बट जो बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो जाए समझो। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, एक टाइम मशीन। भैया ये टाइम मशीन कहाँ से आ गया, अभी तो टाइम मशीन बना नहीं है। कोई नहीं, हमने ला दिया है आप लोगों के लिए। एक टाइम मशीन प्रातः 5:40 पे अपने गणतंत्र के हेतु प्रस्थान करती है तथा संध्या को 6:55 तक पहुंच जाती है। तो टाइम मशीन ने कुल कितना समय लिया, यात्रा में कुल कितना समय लिया, और टाइम मशीन लीव फ्रॉम द डेस्टिनेशन एट 5:40 6:55 PM, देन व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन बाय द टाइम मशीन फॉर द जर्नी। भैया ये अपने टाइम मशीन का कॉन्सेप्ट लाया है,
क्वेश्चन बहुत ही यूनिक है बट काफी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो, आपने किसी टाइम मशीन के द्वारा 5:40 पे चलना प्रारंभ किया और शाम को 6:55 पे कहीं पहुंच गया, तो बीच में कितना समय लगा? देखो 5 से 6 की जो बीच की हमारी दूरी होगी 13 घंटा होगा। कैसे? 5 से 5 का जो बीच का शाम का सुबह का 5 बजे से लेकर के शाम का जो 5 बजे होगा ये 12 घंटे का टाइम और 6 बज रहा है तो 1 घंटा यानी 13 घंटा। और ये देखो 55 मिनट में से 10 मिनट हम घटाएंगे तो ये हो गया हमारा 15 मिनट यानी 13 घंटा 15 मिनट ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट और ये टाइम मशीन का कॉन्सेप्ट हुआ खत्म। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अब ये काफी इजी क्वेश्चन है, मुझे पता है कि आपको लगेगा कि अरे भैया इतना इजी क्वेश्चन क्यों सॉल्व करा रहे हैं, अपनी सॉल्व तो करो, बिना सॉल्व किए हुए इजी क्वेश्चन कैसे बोल देते हो। ये देखो ये हमारा 96 वर्ग मीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया ऑलरेडी दिया हुआ है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल 96 स्क्वायर मीटर और उसका एक लेंथ का हमको हमारा लेंथ दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ है कि 12 मीटर है। तो पहले तो हमको उसका परिमाप निकालना है, तो परिमाप निकालने से पहले हमको क्या पता होना चाहिए? उसकी ब्रेथ पता होनी चाहिए यानी चौड़ाई पता होना चाहिए। तो वैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एल इंटू बी होता है। तो बस एरिया ऑलरेडी दिया हुआ है 96 और एल दिया हुआ है 12 × b, यहाँ से बी की वैल्यू निकालेंगे तो 12 × 96 या करके डिवाइड कर देगा, बी की वैल्यू आ गया 8। अब देखो अब ये काफ़ी ईजी हो गया, अब यहाँ पर ये तो हमारा 12 ऑलरेडी दिया हुआ है लंबाई और ये चौड़ाई हमारा 8 आ गया और बस हमको परिमाप निकालना है यानी पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर फाइंड कर दो, 2l प्लस b होता है पेरीमीटर, तो 2 और l कितना है? ये हमारा 12 प्लस ये 8, 12 × 8 = 20, 20 × 2 = 40, ये हो गया हमारा 40 मीटर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। So, मेरे दोस्तों ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और ये क्वेश्चन देखने में काफी लुल्लू पुल्लू सा बच्चा सा टाइप का है बट है ये बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन। कुछ बच्चे तो इसको ऐसे करेंगे ये 2 × 100, देखो भैया हमने तो इसको सॉल्व कर लिया, ये आ गया हमारा 2000% बट दिस इज टोटली रॉन्ग। अब देखो यहाँ पे देखो ये 40 मिनट दिया है, ये 2 घंटा दिया है, तो पहले दोनों चीजें जो होनी चाहिए सेम यूनिट में होनी चाहिए। जैसे ये 40 मिनट है ये 2 घंटा भी हमारा मिनट में कन्वर्ट होकर 120 मिनट होना चाहिए, या ये 40 जो है ये 40 को डिवाइड करके इसको भी घंटा में बदल लो और ये 2 घंटा, इस तरीके से होना चाहिए तब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम इस 2 घंटे को आसानी के लिए 120 मिनट लिख सकते हैं। अब ये मैंने कैसे लिखा ये अगर कोई पूछ रहा है तो समझ जाओ आपको अभी भी घड़ी देखना नहीं आता है, तो सबसे पहले आप एक घड़ी खरीदो और घड़ी देखना सीखो, फिर आकर के जेएनबी बर्साल का वीडियोस देखना। तो चलिए यहां पे बात करते हैं, ये 40 और नीचे 120, 120 कहां से आया भैया? अभी तो बताया ना कि 2 घंटे को 120 हमने लिखा है और इंटू 100, ये हमारा 3 बार में ये 100/3 हो गया यानी 33 / 1/3 आपने कैसे लिख दिया भैया? अब देखो ये भी बताना पड़ेगा, इसको आप करके लिखना तो ये 33 / 1/3 ही आएगा। अब इतना भी मैं बताने लगूं तो फिर आप लोग क्या करोगे। अब ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए ये हमारा पुस्तक का विक्रय मूल्य यानी SP दिया हुआ है और 20% का लाभ है और पुस्तक का क्रय मूल्य हमसे पूछ रहा है। जहां भी CP पूछे CP को खटाक से X मानो और X प्लस X का 20%। भैया आपने प्लस क्यों लगाया? अभी आपने पिछले क्वेश्चन में माइनस लगाना सिखाया था हाँ मेरे दोस्त, लेकिन वहां पे हानि था, यहाँ पे हमारा प्रॉफिट है। तो ये 20% और इक्वल हो जाएगा हमारा 360 का, ये 1 से ये 5 और ये 5x और ये 6x / हमारा 360। भैया ये 6x डायरेक्ट आपने क्यों लिखा? मैंने बताया ना कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूं और एक एक चीज को मैं बार बार बताऊं ये मुझे शोभा नहीं देता। जेएनबी पाठशाला एक बड़ा यूट्यूब चैनल है, मजाक कर रहा था। अब चलिए इसको हम चलते हैं सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे एक्स को हम ऐसे ही रख देंगे, इसको ऊपर इसको नीचे। अब ये ऊपर नीचे का गेम तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ये 360 × 5/6, ये 6 से 6 बार में 60 यानी 6×5 = 300 यानी ये आ गया हमारा 300 ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। यहाँ पे देखो ये 310 और 330 भी दिया है, ये आपको धोखा देने के लिए दिया गया है, आप इस आपको इसे गुमराह करने के लिए दिया गया, तो आपको गुमराह नहीं होना और धोखा नहीं खाना है और आपको 300 पे ही ट्रिक लगाना है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। और यहाँ पे देखो ये लाभ हानि के 2-3 क्वेश्चंस मैंने अच्छे रख लिया, बिकॉज लाभ हानि का कोई भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे गड़बड़ हो। यहाँ पे पूछ रहा है कि एक व्यक्ति ने 1200 में साइकिल खरीदा और 1500 में बेच दी तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? नॉर्मल सी बात है, पहले तो हमको क्या पता होना चाहिए? लाभ पता होना चाहिए। लाभ हम कैसे निकालेंगे? एसपी में से सीपी को माइनस कर देंगे, ये जो हमारा एसपी है जिसमें सोल्ड किया गया है और जितना में खरीदा गया उसको माइनस कर देंगे। तो जैसे ही हम प्रॉफिट निकालेंगे तो ये 1500 में से 1200 गया 300। भैया आप डायरेक्ट लिख दे रहे हो, हाँ मैं डायरेक्ट ही लिखूंगा क्योंकि मुझे समय भी बचाना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करवाना है। तो ये देखो ये 300 × 100 और ये आ गया हमारा ये 100 है 100 और ये हमारा नीचे आ जाएगा 1200, तो ये हमारा डायरेक्ट 4 बार में 25% का प्रॉफिट होगा। अगर जिनको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो, एक साइकिल खरीद सकते हैं 1200 में और 1500 में उसको बेच ले और फिर देख ले उनको कितना परसेंट का प्रॉफिट होता है, फिर भी निकालने आएगा तभी ना देखोगे। ये तो मैं बताना ही भूल गया था, खैर कोई नहीं। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में और ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि जेएनबी पाठशाला का नाम है तो अच्छा ही होगा। जेएनबी पाठशाला की मासिक आय 1500 रुपये, नहीं ये गलत बात है यार, मैं तो बहुत ज़्यादा कमाता हूँ, इससे भी ज़्यादा पैसा कमाता हूँ, मजाक था, नहीं कमाता हूँ भाई। वह मैं
और मकान के किराए के लिए 200 रुपये देता है, नहीं देता हूँ मैं 1 रुपया भी मकान के किराए के लिए, क्यों दूं भाई मेरा खुद का मकान है, शिक्षा पे मतलब मेरा नहीं है यार, मेरे पापा जी क्या, पापा जी अगर वीडियो देखे तो यार गड़बड़ हो जाएगा, शिक्षा पे 500 रुपये, नहीं मैं तो नवोदय विद्यालय में पढ़ता हूँ, शिक्षा पे 0 रुपये खर्च होता है, अन्य वस्तुओं पे 330 रुपये का व्यय करता है, अन्य वस्तुओं पे मान सकता हूँ कि 330 रुपये व्यय कर सकता हूँ, और वो अपनी आय का कितना प्रतिशत बचाता है, अच्छा ही बचाता हूँगा क्योंकि मैं वैसे भी कंजूस हूँ, मंथली इनकम ऑफ जेएनबी पाठशाला 1500 रुपीज़, ही स्पेंड 200 रुपीज़ ऑन हाउस एंड 500 ऑन एजुकेशन एंड 350 ऑन अदर थिंग, व्हाट परसेंट ऑफ द इनकम डज ही सेव, अब हमारी सेविंग कितनी है यही बताना है, जेएनबी पाठशाला कितना बचाता है वो आपको बताना है, अब मैं कितना बचाता हूँ इसी के आधार पर मेरी कंजूसी ही का आप पता लगा सकते हो, मजाक किया हूँ, चलिए ये देखिए ये टोटल मेरी मासिक आय यहाँ पे दिया गया है और मैं इतना रुपए खर्च करता हूँ, इतना रुपए और इतना रुपए, तो टोटल मैं कितना रुपए खर्च करता हूँ पहले हम वो निकाल लेते हैं, तो टोटल ये 500 और 200 700 और 700 300 हमारा हो जाएगा 1000, यानी 1050 रुपये मैं टोटल खर्च करता हूँ। अब देखो ये तो हमारा खर्च हो गया, अब पता चलना चाहिए कि मैं कितना बचाता हूँ, तो देखिए मैं बचाता कितना हूँ, मेरी बचत पता करनी है तो उसका एक ही तरीका है कि 1500 में से जितना मैं खर्च करता हूँ उसको माइनस कर दो, तो अगर ये 1500 में से अगर हम 1050 को माइनस करेंगे तो ये 450 आएगा, यानी ये जो 450 रुपया है ये मैं बचत करता हूँ, काफ़ी कंजूस आदमी हूँ ना इसी के कारण। अब देखिए अब बचत वाला को ही हमको प्रतिशत के बारे में बताना है, प्रतिशत के फॉर्म में बताना है, तो ये हमारा टोटल पैसा 1500 और 100, अब ये वाला प्रतिशत निकालना तो आपको मैंने इतना अच्छे से सिखा दिया कि आप कभी नहीं भूलोगे, और ये 15 दुना 30% देख रहे हो, 30% मैं बचा लेता हूँ, ओ ये ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये हमारा करेक्ट होगा। वैसे भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस काफ़ी तेजी से आ रही हैं, तो आप इन सभी को एंजॉय करते रहो, और नवोदय विद्यालय क्लास 6 का जो प्लेलिस्ट है उसको जरूर चेक करना, और टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो जाओ क्योंकि वहाँ पे सभी PDF जो भी इन्फॉर्मेशन सभी चीज़ें आपको दिया जा रहा है, तो टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।